हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है सर। दसवीं क्लास में तो आज हम पढ़ने वाले 6.5 का अगला। तो आपको हम जो एम आई था वो हम बता चुके थे 10 नंबर तक, और अब जो है आपका 11वां एम आई नहीं था तो नहीं बता रहे हैं, और 12 में से हम फिर एम आई बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये 12 में जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, एम आई क्वेश्चन है, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछने वाले क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये आपका एम आई हो जाएगा। इसमें क्या बोला गया है कि दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। यहाँ पे आपको दो खंभा दिया हुआ है, एक खंभा जो है 11 मीटर है और दूसरा खंभा 6 मीटर का है। तो पहले हम बना लेते हैं, ये हो गया 11 मीटर का और ये हो जाएगा 6 मीटर का। ठीक है, लिखेंगे हम 11 मीटर का ये पूरा खंभा, और ये जो खंभा है ये कितना का है, 6 मीटर का। ठीक है, 11 मीटर का वो 6 मीटर का। और क्या बोला गया है, तथा यह समतल भूमि पर खड़े हैं, ये दोनों क्या है, समतल भूमि पर खड़े हैं। ठीक है, यदि इनके निचली सिरों के बीच की दूरी, इनके निचली सिरों के बीच की दूरी अगर 12 मीटर है, ये क्या बताया गया है कि 12 मीटर है। ठीक है, ये आपका दूरी बता रहे हैं, 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इनके ये वाला, ठीक है, तो ये आपको ज्ञात करने कहा जा रहा है। यदि इनकी निचली दूरी इतना है तो ऊपर का जो होगा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा, ये आपको ज्ञात करने कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा यहाँ तक क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, ये इतना साइज का है, ये बराबर हमारा आ रहा है यहाँ तक, इसको हम यहाँ तक कर लेंगे। यहाँ पे नाम दे देंगे हम ए बी सी, और यहाँ पे दे देते हैं डी और ई। हमको ये ज्ञात करना है, इसके लिए हम यहाँ क्या किए, एक डक्टिव दे दिए, क्योंकि ये क्या है, इसके बराबर है, है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हमको ये ज्ञात करना है इसी कारण त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे अगर 12 मीटर है तो इसके बीच के जहाँ भी हम बोलेंगे 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, 12 मीटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि अब क्या है, बराबर दूरी में है, तो यहाँ पे 12 है तो यहाँ पूरे क्या होगा, 12 ही होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा इसका, 12, यानी कि बी सी बराबर क्या है हमारा, डी ई है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी बराबर डी ई कितना है, 12, दोनों क्या है बराबर है, किससे, 12 से। और फिर क्या हम देख रहे हैं कि ये जितना है वही, ये भी क्या है, उतना ही है, यानी ये 6 है, ये भी 6 होगा, लेकिन ये पूरे अगर बात किया जाए तो 11 मीटर का है। तो हमको जो है ये चीज़ चाहिए, हमको ये चीज़ निकालने के लिए हमको ये तो पता चल गया, लेकिन ये भी पता वो होना चाहिए, इससे हम जो मान दिया हुआ है इससे हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको ए बी का मान दिया हुआ है कितना, 11। ठीक है, और ए बी को हम अलग करते हैं, मतलब ए बी को इस तरह से, ए बी बराबर, ए बी 11 दिया हुआ है, और जो है डी बी ये और बराबर ई सी कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जितना ये दूरी है उतना ये भी दूरी है, इसी कारण जो 6 यहाँ पे वही 6 यहाँ पे होगा, यानी इसका इसका दूरी 6 है और इस पूरे का कितना है, 11 है। हमको चाहिए क्या, ये, तो हम ए डी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए डी को निकालने के लिए पूरे ए बी में हम बी डी को घटा देंगे, पूरे ए बी में हम बी डी को घटा देंगे, क्योंकि ए बी का मान हमको पता है और बी डी का मान भी हमको पता है, बी डी बोलिए या फिर डी बी बोलिए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये हमको पता है, हमको ए डी निकालना है, तो ए बी कितना है, 11, और डी बी कितना है, ये चीज़ तो 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 6 है तो बराबर ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 11 में 6 गया तो 5, यानी कि कितना निकल गया, ये 5 निकल गया। ठीक है, 5 निकल गया, अब हमको ये और ये ज्ञात हो गया, अब हम ये आराम से निकाल लेंगे इस तरह से। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए डी ई बराबर 19 डिग्री, तो हमको निकालना है ए ई, यानी कि कर्ण निकालना है, तो क्या होता है ए डी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है।
तो AD क्या है 5, 5 का स्क्वायर, DE क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर 25, 12 का सॉरी प्लस 12 का स्क्वायर 144, और फिर रूट 12 पर 144 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5, 9, 4, 2, 6 और 1 का 1 रूट है। तो 169 का वर्गमूल क्या होता है, तो 13 होता है, तो 13 मीटर जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 ये हो जाएगा। इन दोनों का बीच का दूरी कितना है, 13 है। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। हमको जो है आपका यहाँ से दो खंभा दिया हुआ था, एक 11 मीटर 6 मीटर, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि जितना दूरी यहाँ पे है उतना दूरी हमारा यहाँ पे भी हो रहा है, तो 12 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और जितना ये है उतना हमारा ये भी यहाँ से यहाँ तक होगा, ये अगर 6 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये पूरे का दूरी कितना है 11 है, एक लंबा कितना है पूरे 11 लंबा है, और यहाँ तक 6 हो गया, तो हमको ये निकालना है, हम क्या करेंगे 11 में 6 को घटा देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा, तो ये हम क्या यहाँ पे निकाल लिए। उसके बाद हमको ये ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ADE में हम क्या देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज समकोण बन रहा है, और फिर हमको निकालना है A जो कि हमारा कर्ण है। कर्ण फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कि लंब और आधार का स्क्वायर का वर्ग, ये होता है, तो उसी फॉर्मूला यूज करके हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है आपका MI था, और इसी तरह क्वेश्चन आपका और भी है जो कि उदाहरण में से है, जो आपका MI है तो हम वो भी आपको हम बता देते हैं, क्योंकि आपका MI है तो हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे भी हम देख लेते हैं। हाँ, तो यही वो क्वेश्चन है जो कि आपका उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था आपका अंक थोड़ा सा अलग था, लेकिन इसमें आप क्या है अंक अलग है, ये आप दीवार सीढ़ी में पढ़े होंगे, सीढ़ी और दीवार वाला हम बता चुके हैं, उसमें आपका अंक क्या था कुछ और था, इसमें अंक जो है थोड़ा कुछ और आएगा, लेकिन यही क्वेश्चन जो है इस वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम उसी तरह से बनाएंगे और देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एक सीढ़ी दीवार, एक सीढ़ी किसी दीवार पर, एक सीढ़ी है, ठीक है, इस तरह से एक दीवार पर है, और इस प्रकार टिका हुआ है कि इसका निचला सिरा दीवार से, इसका निचला सिरा जो है दीवार से इतना की दूरी पर है, इतना का दूरी कितना है वो जो है 2.5 मीटर, कहाँ है, हाँ मीटर, क्या है मीटर है, और दूरी पर है तथा इसके ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है, ये जो है आपका ये यहाँ पे क्या बोला गया है तथा इसका ऊपरी सिरा, इसका क्या बोला गया है ऊपरी सिरा भूमि से यहाँ से कितनी दूरी पर है 6 मीटर की ऊंचाई पर है, ये बताया गया है आपको कितना कि 6 मीटर की ऊंचाई पर है दीवार, ठीक है, बनी हुई एक खिड़की तक पहुँचता है, ये समझिए कि दीवार है, यहाँ पे एक खिड़की है और यहाँ तक एक सीढ़ी लगाया गया है, और ये खिड़की कितना ऊंचाई तक है 6 मीटर तक की है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, इसका लंबाई हमको ज्ञात करना है, इसका हम नाम दे देंगे हम ABC। जब हम दीवार पे एक सीढ़ी रखेंगे तो वो कितना 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में हम क्या देख रहे हैं कि कोण ABC बराबर हमारा 90 डिग्री हो रहा है, और हम यहाँ पे ये भी दर्शा सकते हैं, ठीक है, कि क्या जो है यहाँ पे लिखेंगे हम, सॉरी इसको लिखने से पहले हम लिखना लिखेंगे कि BC लंब AB है। ठीक है, ये सबसे पहले जो है वो थोड़ा सा दर्शाना अनिवार्य होता है, ये हम दर्शाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में और लिखेंगे कोण ABC बराबर 90 डिग्री। अब हम लिखेंगे क्या कि हमें निकालना क्या है, तो हमको AC निकालना है, तो AC के लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC, तो AC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला हमारा कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, और ये स्क्वायर जब घटाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो हम अब मान रख देंगे AB कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, BC कितना है 2.5, तो 2.5 का 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, लेकिन एक अंक का पॉइंट था तो इसमें अगर हम इससे गुणा करेंगे तो 625 आएगा, लेकिन दो अंक का पॉइंट है, दो अंक का पॉइंट हम लगाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और फिर रूट है।
अब क्या करेंगे दोनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ते कैसे हैं, तो हम जोड़ते हैं इस तरह से, और यहाँ पे 6.25 इस तरह से हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा इतना, यानी कि 42.25। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको रूट से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमको इसका जो है, जैसे आप जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका हम पहले वर्गमूल निकाल लेंगे। आप लोगों को वर्गमूल निकालने आता होगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, क्या है 42.25। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से, ठीक है, और इस तरह से हम करते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारा जोड़ा होता है, हम जोड़ा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वर्गमूल में क्या होता है, हमारा जोड़ा बना हुआ रहता है। तो हम किससे लेंगे, तो भैया हमारा कट जाए। अगर हम 6 का पहाड़ा लेंगे तो वो 6 से गुना करना पड़ेगा, 7 का पहाड़ा लेंगे तो 7 से गुना पड़ेगा, 5 लेंगे तो 5 से 5 से गुना करना पड़ेगा। तो कौन सा पहाड़ा लें जो कि हमारा इससे कम या इसके बराबर आ जाए। यदि हम 5 लेते हैं तो 5×5=25, इससे क्या कम हो जाएगा। अगर हम 7 ले लेते हैं तो 7×49, इससे क्या हो जाएगा, बेसी हो जाएगा। अगर हम 6 लेते हैं तो 6×36, तो ये क्या हो रहा है, हमारा इससे कम हो रहा है। और 7 लेंगे तो इससे क्या हो रहा है, बेसी हो जाता है। तो बेसी नहीं लेना है, सिर्फ कम लेना है। तो 6 का पहाड़ा तो भी हो जाएगा। और ये जो हम लेंगे उसको हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे लिखेंगे, जो हम लेंगे जो भी पहाड़ा जो भी लेंगे उसको एक बार हम यहाँ पे लिखेंगे एक बार। और जो यहाँ पे लिखे हैं 2×6 उसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, और इसको यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, उसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये को ध्यान रखना है, इसमें घटा देंगे तो 6 बचेगा। अब क्या है 25.25 है, तो 0.25। तो यहाँ पे जो हम पॉइंट लिए उसको हम एक बार यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा पॉइंट। अगर आप उतार रहे हैं कोई पॉइंट में, तो वो पॉइंट जो है आपको वहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। तो ये आप कौन से पहाड़ से जो है ये पूरे कट जाएगा। यदि हम 4 लेते हैं तो 4 कितना जाएगा, 4×16 फिर 17, 1×4=8, 1×9=4, इससे क्या हो गया, बहुत कम हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आप हम 5 लेके रखते हैं, तो 5×25 2×5=10, 10×2=12 1×5 और 1×6 क्या हो गया, हमारा ये कट गया है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कटा लेंगे। यहाँ पे आप पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट दिए थे, तो यहाँ पे हम पॉइंट देंगे। ये क्या हो गया, हमारा कट गया, ठीक है। हाँ, और ध्यान रहे कि ये पॉइंट यहाँ पे नहीं, अगर हम यहाँ पे पॉइंट में कोई चीज़ आ गया आपको फिर कटाना है उसको, तो हम पॉइंट से ही कटाएंगे। तो यहाँ पे हमको पॉइंट दिए हैं, तो ये पॉइंट पर यहाँ भी आएगा। और हम 5 अंक लिए हैं, तो ये 5 अंक हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो वर्गमूल कितना आ गया, 6.5 आ गया, ठीक है, 6.5 का वर्गमूल आ गया। तो इस तरह से वर्गमूल जो है हमारा बनाया जाता है, कि हम जोड़ा लगा के आप लिखते हैं, फिर उसको घटाते हैं, फिर जो उसको उतारते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा पहाड़ से जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरे कट जाएगा। और जो अंक हम लेते जाएंगे वो अंक को हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे लिखते जाएंगे। और पॉइंट अगर हम प्ला उतार रहे हैं, तो पॉइंट से अगर हमको भाग देना था, हमको इतना ही लाना था, तो इसी कारण हम क्या किए 0.5 ले लिए। 0.5 से क्या किए, इसको कर लेते हैं, पॉइंट जो है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6.5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका दूरी कितना हो जाएगा, 6.5 मीटर। तो यही सवाल, यही चीज़ जो है आपका मेन था इस सवाल का, खास करके यही चीज़ वर्गमूल वाला। तो अब हम सवाल नंबर लास्ट देखेंगे इस वीडियो का, 6.5 का लास्ट सवाल होगा ये सवाल। जो अभी आपने देखा ये आपका 6.5 का नहीं था, उदाहरण का था। और जो है अभी आपका लास्ट सवाल 17 नंबर चलेगा, और फिर 6.5 जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा सवाल जो बचेगा जो हमको MI लगेगा, जो लगेगा कि आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आपको हम एक और वीडियो में आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो अभी हम लास्ट सवाल देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का है वो। अब हम इस वीडियो का लास्ट सवाल देखेंगे 17 नंबर, ठीक है। उससे पहले आप कुछ समझ लेते हैं, हम यहाँ पे आपको अभी जो हम बताए थे वर्गमूल, ये वर्गमूल, ठीक है। इसमें हम जो है ये जो उतारे थे 0.25, तो यहाँ जो हम जो लिए थे गुना जो किए थे, हम 0.5 से गुना किए हैं। तो देखें यहाँ पे 12.5 हम क्या लिए हैं गुना करने के लिए, हम 0.5 का यूज़ किए हैं, सिर्फ 5 का नहीं, 0.5 का। अब 0.5 लिए हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 0.5 से ही गुना करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 25×2×6 इतना, 2 अंक का पॉइंट है, तो 2 अंक का पॉइंट, यही चीज़ हम क्या यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। और यही चीज़ जो हम यहाँ पे लिए थे 0.5, तो वही 0.5 को हम यहाँ पे एक बार लिखे हैं, ठीक है।
समझ गए आप लोग, आप पॉइंट में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए आपको हम बताएं अच्छे से। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो जाता है। अब हम जो है ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इस सवाल पे आप गौर करते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं एबीसी, ये हो गया आपका एबीसी। इसमें क्या बोला गया है कि ए बी जो है कितना है, रूट तीन सेंटीमीटर है, और ए सी कितना है तो 12 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है तो 6 सेंटीमीटर है। तो कौन बी है, तो आपको ये कौन बी क्या ये पूछ रहा है कि कितना डिग्री का है, ठीक है, कितना डिग्री का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैसे आप जान रहे हैं कि हमको कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो हम क्या समकोण त्रिभुज पर दिमाग लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज है या नहीं है पहले हम जांच करेंगे, तभी तो बताएंगे कि यदि कर्ण का वर्ग शेष दो बराबर हो, क्योंकि बराबर होता है तो हम इस क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज तो हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके लिए हमको पहले चेक करना होगा कि क्या ये जो है कर्ण इन दोनों भुजाओं के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखते हैं ए सी बराबर क्या होता है, ए बी का वर्ग, सॉरी ए सी का वर्ग बराबर क्या होता है, ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग। पहले हम चेक करेंगे क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है तो समकोण है, और समकोण है तो क्या हमारे 90 डिग्री का होगा। देखते हैं, चेक करते हैं, ए सी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, ए बी कितना है 6√3 का स्क्वायर, और बी सी क्या है 6√6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 3, ठीक है, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो 144 बराबर इसको गुणा कर लेते हैं, 3 6 18 1 3 3 9 1 10 प्लस 36, 144 बराबर इसको इसमें जोड़ेंगे तो 6 8 4 1 3 1 4 और ये 1, तो क्या हो रहा है ये एक दूसरे के बराबर है, यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज अगर होगा तो समकोण त्रिभुज हमारा क्या होता है 90 डिग्री का होता है। यहाँ लिखेंगे तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कोण बी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। लिखेंगे हम यहाँ पे पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से ये कहा गया है ये हम जानते हैं, ठीक है, कि कोण भी 90 डिग्री का होगा यदि ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के बराबर है। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, और इसका जो भी हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नजर आएगा आपको हम एक और वीडियो में 6.1 का हम बता देंगे, जिसमें आपका 6.6 का भी सवाल होगा, और 6.5 का भी कुछ कुछ सवाल होगा, ठीक है, ज़्यादातर 6.6 का होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, और थैंक यू।